सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट के बारे में जो अबॉट द्वारा बनाया जाता है। इसमें प्रोक्लोरी पेराजाइन कंटेंट है। इसकी मार्केट प्राइस लगभग 142 रुपये है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। स्ट्रोमेटिल टैबलेट EMD के लाभ। स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट आपके शरीर में आपको बीमार करने वाले या बीमार महसूस कराने वाली केमिकल क्रिया को ब्लॉक करता है। माइग्रेन का इलाज। स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट माइग्रेन, सिर दर्द के इलाज के लिए उसकी रोकथाम करने में मदद मिलती है। यह ब्रेन में इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी को बदलती है। यह ब्रेन में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को बदलता है। दर्द महसूस करने के लिए जिम्मेदार केमिकल को ब्लॉक करता है और माइग्रेन से संबंधित उन सिग्नल को भी ब्लॉक करता है जो निचली उल्टी के कारण होते हैं। माइग्रेन सिर दर्द होने की आवृत्ति को रोकने का काम करके यह आपकी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने में और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। चक्कर आने का इलाज। चक्कर आने का अर्थ है गोल गोल घूमने जैसा या चक्कर महसूस होना, जो कि लगातार चलने फिरने या मोनीरियल रोग से पीड़ित होने का कारण होता है। यह कई कारणों से हो सकता है, लेकिन यह बिना किसी खास रोग के भी हो सकता है। स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट से यह संवेदना असरदार तरीके से इलाज करने में मदद मिलती है। अगर आपको बेड उठते समय चक्कर आता है तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाए और उसके बाद धीरे धीरे उठे ताकि गिरे नहीं। चिंता का इलाज। स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट अत्यधिक एंजाइटी चिंता के लक्षणों को कम करता है, जो केवल तनावपूर्ण स्थितियों के समय ट्रिगर होते हैं तथा समय के लिए रहते हैं। ये नौकरी, सकारात्मक परीक्षा, थकान, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और चिड़चिड़ेपन की संभावना का प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकता है। इस प्रकार स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट की मदद से आप अपनी दैनिक गतिविधियों और अधिक आसानी से कर पाएंगे। स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते या लक्षण बिगड़ने लगते तो अपने डॉक्टर से सलाह ले। स्ट्रोमेटिल के सामान्य साइड इफेक्ट जैसे सुस्ती, अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर का कम होना। स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुमाप की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। गीले हाथों से टेबल को न पकड़े, इससे अपने मुँह में रखें, लेकिन इसे निगले नहीं। स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट भोजन के साथ लेना चाहिए। इसे यूज करने के कुछ खास टिप्स। स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट को उपयोग मितली उल्टी को रोकथाम और इलाज के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल मोनीरियर सिंड्रोम जैसे कि आंतरिक कान की समस्याओं से संबंधित चक्कर का इलाज करने के लिए किया जा सकता है। इससे नींद आ सकती है। जब तक आप यह नहीं जानते कि यह आपको कैसा प्रभावित करते हैं, तब तक ड्राइव न करें या ऐसा एकाग्रता वाला कोई काम ना करें। चक्कर आने या बेहोश होकर गिर जाने की संभावना को कम करने के लिए अगर आप बैठे हैं या लेटे हैं तो धीरे धीरे उठें। स्ट्रोमेटिलियम डी टैबलेट लेते समय शराब का सेवन ना करें, क्योंकि इससे अधिक डिहाइड्रेशन हो सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।